डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश कुमार शावन साहब हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो मूलबारमा में आग की घटना हुई है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है? देखें, ये कल हादसा आया, 2:30 बजे के करीब हुआ और उससे डिसास्टर मैनेजमेंट की टीम्स को रश किया गया था। फायर टेंडर्स नंदनाग से भेजे गए थे, लिस्ट तैयार की गई और अभी हमें इसमें पता चला है कि 80 घर जो हैं इसकी जद में आए हैं, हाउस होल्ड, और 360 के करीब जो हैं इसमें सोल्स हैं वो इफेक्टेड हैं। 55 के करीब काउ शेड्स हैं इनके, जो टोटल खाक हो गए हैं आग लगने की वजह से। माली नुकसान तो ज़्यादा हुआ, क्या कोई जानी नुकसान हुआ है? जानी नुकसान ईश्वर ने मदद की है कि इन लोगों ने बहुत फाइट किया, फायर फाइटिंग में लोगों को बचाया गया है और जानवर कोई 2 या 3 हैं, जानवरों को भी बचाया गया है। तो अभी तक क्या रिलीफ आपकी ओर से दिया गया है? अभी तो रेड क्रॉस, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी है, उनकी तरफ से हम 10,000 रुपया इनको दे रहे हैं। रिलीफ जो मटेरियल है वो हमने डिस्पैच किया है, कम्युनिटी किचन हमने रन किया है, जो भी तहत जाबता इनके लिए रिलीफ होंगे, जो होगा डिसास्टर मैनेजमेंट के जो रूल्स रहते हैं SDRF के, उन नॉर्म्स में उनकी मदद हम करेंगे। सर, आग लगी कैसे कि पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, अभी तक शुरुआती जांच में क्या सामने आया है? सुनने में ये आया है कि इनका जो कुकिंग गैस का जो सिलेंडर था वो ब्रस्ट हुआ है एक हाउस होल्ड में और उसकी वजह से आग जो है स्प्रेड हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर लेट पहुंची हैं क्योंकि टेरेन ऐसा है, आपको लगता है कि अगर समय पे पहुंच जाती तो इतना नुकसान नहीं होता? देखें, ये दूर दराज इलाका है और इसमें वक्त में पहुंचने की तो बात ही नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये तो एक इम्पॉसिबल टाइप, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इतने जल्दी SDM को करनाग ने वहाँ से इनको रश किया है। 6:15 के करीब फायर टेंडर्स हमारे यहाँ पहुँच गए थे। मज़ीद जो नुकसान होने से जो आगे फर्दर प्रिवेंट हुआ है वो फायर टेंडर्स की वजह से हुआ है कि मज़ीद नुकसान जो है वो बच गया है। इन लोगों के लिए जो गांव वाले हैं, इनके लिए क्या कोई रहने की खाने पीने की व्यवस्था आपकी ओर से की जा रही है? कम्युनिटी किचन अभी हमने शुरू कर दिया है। अब क्योंकि ये दूर दराज इलाका है, यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग्स और प्राइवेट बिल्डिंग जो भी होगी तो इनको कम से कम हम रेंट बेसिस पे जो है, क्योंकि हार्श वेदर कंडीशंस आगे आने वाली हैं, इनका रिकन्स्ट्रक्शन में टाइम लगेगा। अभी तो यहाँ डेब्रिस क्लियर करना है, फिर इनको रिलीफ हम सेंक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे पहले भी इलाके में हम वही SOP अपनाते हैं, इनको हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में या फिर रेंटेड बिल्डिंग में अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी बन गए रिलीफ कैंप भी बन रहे हैं अभी? तो नहीं, वो हमने काम शुरू कर दिया है, अभी आज ही तो सुबह हम लोग आए, हमारी टीम आई, हमने काम शुरू कर दिया है। तो क्या कुछ आपकी ओर से दिया जाएगा, जो पीड़ित परिवार हैं क्या मदद की जाएगी? हम इनको एक तो अकोमोडेट करेंगे टेम्परेरी और उसके बाद इनको SDRF के नॉर्म्स के तहत घर बनाने के लिए जो मदद होती है वो इमिजिएटली सेंक्शन करेंगे, लकड़ी दिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि NGOs के मदद से और भी जो मटेरियल है इनको हम देंगे। पीड़ित परिवारों से क्या अपील करेंगे आप? मेरी यही अपील है कि मुसीबत की घड़ी में हम इनके साथ हैं और इस वक्त ये पेशेंस बना के रखें। इन्होंने ये बहादुरी का काम किया है, अकलमंदी का काम किया है कल के, जब सब लोगों ने मिल के जो है कम से कम जान का नुकसान होने नहीं दिया है, और उसके बाद इस वक्त ये पेशेंस रखें और हम सब लोग मिल के, चाहे इनके रिश्तेदार हैं, इनके पड़ोसी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलजुल के हम सब लोग काम करेंगे ताकि दोबारा से इनके मकानात जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाएं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। SSP किश्तवाड़ भी हैं अब्दुल क्यूम साहब। सर, सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए जी, हमारा जो यहाँ पुलिस स्टेशन है वार्ड 1 का, मड़वा में भी है, तो सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। मामला दर्ज किया है आपने जो आग की घटना हुई? जी हाँ, हमने फायर इंसिडेंट जो रिपोर्ट वो डाली है और उस पर काम चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। तो क्या सर अभी तक क्या निकल कर आया जांच में? अभी इनिशियल है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है हमारी, जो भी होगा आपको बताया जाएगा लास्ट। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं प्रशासन को साफ तौर पर कहना है कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उनकी हर संभव मदद की जाएगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 किश्तवाड़।